नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। बता दें आपको कि 3 महीने से ज्यादा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस भारत जोड़ो यात्रा में तमाम चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच आपको यहां पर बता दें कि एक ऐसी घटना जो आपको जाननी बेहद ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज 5वां दिन देखा गया था। राहुल गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ कोटा शहर में यात्रा कर रहे थे। बता दें आपको, कोटा के अनंतपुरा इलाके से शुरू हुई थी यात्रा। कोटा में राहुल गांधी यात्रा के साथ राजीव गांधी प्रतिमा के यहाँ पहुंचे, तभी एक युवक ने उनके आगे जाने का प्रयास किया। भारी तादाद में सुरक्षाकर्मी वहां पहले से भी मौजूद थे। युवक जैसे ही राहुल गांधी के करीब पहुंचा, उसने खुद को आग लगा ली। यह देख सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। राहुल की सुरक्षा में लगे जवानों ने युवक की आग पूरी तरह से बुझाई, उसे हिरासत में लिया और एमबीएस हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। युवक लगातार गांधी परिवार को कोस रहा था। राहुल की यात्रा में खुद को आग लगाने के बाद युवक जोर जोर से चिल्ला रहा था, कांग्रेस और गांधी परिवार को कोसने में उसने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। यह हरकत के पीछे राहुल गांधी के सावरकर को लेकर टिप्पणी करना बताया गया है। युवक का नाम कुलदीप है। वीर सावरकर पर राहुल के बार बार टिप्पणी करने से कुलदीप नाराज हो गया था। इसी को लेकर युवक ने खुद को आग लगा ली। घटना के कारण राजीव गांधी प्रतिमा की तरफ राहुल गांधी नहीं जा पाए, सुरक्षा घेराव कड़ा कर दिया गया। इससे पहले भी आपको बता दें कि पहले भी यहाँ ऐसी साजिश रची गई थी कुलदीप द्वारा। राहुल गांधी की यात्रा कोटा में आने वाली, उसने विरोध की बात कही। राहुल की यात्रा के कोटा आने की जानकारी मिलते ही वह यात्रा को रोकने की तैयारियों में जुट गया था। इसी बीच खाकी वर्दी से डीएसपी ने बचाई थी युवक की जान। अब युवक यहाँ पर थोड़े बहुत सही होते हुए नजर आए हैं। ऐसी फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।